खा लो मोदी जी, मुंह खोलो, एक लड्डू और खा लो, बस एक लड्डू और खा लो। अरे बहन सोनिया जी, क्या पूरे साल भर का आज भाई दूज के दिन ही खिला दूंगी, तुम खा लो अब बहन, तुम खा लो। एक तो मोदी जी तुम इतना लेट आए हो, आज भाई दूज का दिन है, कम से कम तुम्हें याद होना चाहिए, जल्दी आ जाते। अरे मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रखा है, और जब तक मैं तुमको नहीं खिला लूंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ये लालू जी भी कहाँ रह गए, जब तक उन्हें भी नहीं खिला लूंगी तब तक भी नहीं खाऊंगी। तुम तो आ गए, लालू जी रह गए अभी। तिलक का और पूजा का समय निकला जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे रह गए। मोदी जी पिछली बार तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया था, इस बार गिफ्ट तो लायो। अरे बहन सोनिया, मैं थोड़ा खेत के काम पे फंस गया था, इसीलिए लेट हो गया, आ तो गया मैं जल्दी, लालू जी से तो जल्दी आ गया, और तुम्हारा गिफ्ट याद है मुझे, पिछली बार भूल गया था मैं, लेकिन इस बार लाया हूँ, ये देखो चौकी पे रखा है। अरे वाह, लालू जी का नाम लिया, लालू जी हाजिर, लालू जी भी आ गए, हाथ में बहुत बड़ा थैला लाए, लगता है सोनिया जी आज तगड़ा गिफ्ट लाए तुम्हारे लिए भाई दूज के मौके पर। अखिलेश भी आ गया। राहुल भाई तुम मुझे इस बार क्या गिफ्ट दे रहे हो, वो देखो मोदी जी सोनिया मम्मी के लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाए, और लालू जी भी लाए सोनिया मम्मी के लिए, तुम क्या दे रहे हो इस बार मुझे गिफ्ट, तुम बताओ। अरे क्या बताऊं बहन प्रियंका, इस बार भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, इस बार भी खेतों में कुछ पैदा नहीं हुआ। अरे तुम्हारा इस भाई दूज का गिफ्ट मेरे ऊपर चढ़ाव रहा, अगली भाई दूज को मैं डबल गिफ्ट दे दूंगा, समझी प्रियंका बहना। अरे बहन प्रियंका निराश होने की कोई बात नहीं है, मेरा दोस्त अखिलेश है तो हर भाई दूज को आता तो है यहाँ पर, वो देखो आ गया लालू जी के साथ, वो कोई ना कोई गिफ्ट लाया होगा तुम्हारे लिए, जरूर लाया होगा। अरे बहन प्रियंका निराश क्यों होती हो, समझो मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, हर भाई दूज को आता हूँ यहाँ पर, अरे मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट लाया हूँ। अरे जैसे तुम राहुल को तिलक लगाती हो वैसी मुझे लगाती हो, तो मैं भी तो अपनी बहन ही समझता हूँ तुम्हें। अखिलेश भाई मैं भी तो राहुल भाई से कम थोड़ी समझती हूँ, आपको जैसा राहुल भाई को भाई समझती हूँ वैसी आपको समझती हूँ, और गिफ्ट ही सब कुछ थोड़ी होता है, बस आप भाइयों की लंबी उम्र होना चाहिए, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। अरे मोदी जी अकेले अकेले भागा है, मैंने कहा था सोनिया बहना से मिलने के लिए भाई दूज के दिन एक साथ चलेंगे, लेकिन तुम अकेले ही आ गए चकमा देके। मैं भी आज बहना सोनिया के लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट लाया हूँ, खुश हो जाएंगी सोनिया बहना। आप सब भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी मुझे लगता है इस अनाज मंडी में भी अपना लोग ज्यादा दिन तक मजदूरी नहीं कर पाएंगे, मुझे इतनी मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मोदी जी एक बात बताओ, आप हम मजदूरों के ठेकेदार हो, और आप जहाँ मजदूरी करने जाते हो हम आपके साथ ही में मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन कम से कम ढंग का तो कोई काम देखो। अब इस अनाज मंडी में अनाज का बोरा कंधे पे रख के इतने ऊंचे ट्रक में लोडिंग करना पड़ता है, ये तो बहुत मेहनत का काम है, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। लालू जी एक बात बताओ, तुम मन से काम करते कौन सा हो, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ईंट भट्टे के काम पर लगाया था, वहां पर भी तुम्हें काम पसंद नहीं आया, चलो वो भी अपना लोग काम छोड़ के चले आए। फिर अपना लोग बालू के काम पर लगे थे, बालू का भी तुम काम सही से नहीं कर पाए, वो भी काम छोड़ के आना पड़ गया। अब मैं तुम सब लोगों को शहर में अनाज मंडी में मजदूरी करने के लिए लाया हूँ, यहाँ पर अनाज बोरों में भरा जाता है और उन बोरों को ट्रक में लोडिंग करा जाता है, और एक बोरे को ट्रक में लोड करने के पूरे 5 रुपए मिलते हैं, दिन भर में कम से कम अच्छी मजदूरी हो जाती है, लेकिन तुम्हें ये काम भी पसंद नहीं आ रहा है। मोदी जी ज्यादा बातें तो बनाओ मत, काम पसंद कैसे आएगा, इतनी मेहनत का काम है, कंधे पर बोरा लाते लाते मेरा तो कंधा छिला जा रहा है। लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये काम नहीं करूंगा। मोदी जी ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। मोदी जी मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, इस बार किसी के कहने में काम नहीं बदलेंगे, यहाँ पर दिन भर में अच्छी दिहाड़ी हो जाती है, यहीं पे मजदूरी करते रहेंगे। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इस बार बिल्कुल भी काम नहीं छोड़ेंगे। राहुल लालू जी तुम काम छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ, हम लोग इस बार काम नहीं छोड़ेंगे, आपकी वजह से 2 बार हम काम छोड़ चुके हैं, एक बार ईंट भट्टी पे, एक बार बालू का काम, यहाँ अनाज मंडी में बोरे ढोने का अच्छा काम है, यहाँ पर अच्छी दिहाड़ी हो रही है, यहीं पे काम करता रहूंगा मैं तो। अखिलेश तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहती हो, मेरे साथ रहोगे या इनके साथ वापस जाओगे। मोदी जी मैं तो आप ही के साथ रहूंगा, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करूंगा अनाज मंडी में, दूसरी जगह क्या पता काम मिला नहीं मिला, यहाँ पर बंधा हुआ काम है, यही काम करते रहेंगे। अखिलेश तुम काम करते रहोगे तो हम क्या भाग जाएंगे, हम भी तो काम करते रहेंगे। लालू जी अखिलेश सही कह रहा है, यहीं पे काम करते रहो, क्या पता दूसरी जगह काम मिला। अरे योगी जी मुझे पिछली बार की तरह झिकझिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझ लो इस चारपाई के बनाने के मैं 1000 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे, मुझे बांस को लफड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि 1000 में से 700 तो मैं रखूंगा, और 300 मुझे लालू जी को देना पड़ती है, क्योंकि चारपाई बनाने में वो भी हाथ लगवाते हैं, मेरा काम बटवाते हैं। अरे मोदी जी 1000 रुपए कुछ ज्यादा ना मांग रहे हो, थोड़े कम कर लो, पिछली बार तुमने 700 रुपए लिए थे, अरे 1000 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ना तुम्हारी ना मेरी, 800 रुपए में बना दूं ये चारपाई।
अरे ये तुम्हारी चारपाई बनने में 3 दिन लगेंगे, ना तुम्हारी ना मेरी। 900 रुपए? बिल्कुल ठीक है 900 रुपए, चलो चालू करो। लालू जी ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठी हो, काम को चालू करो, जल्दी निपटाना है। अरे अगले 3 दिन तक यार यहाँ पे आते रहना, अकेले बहुत बुरा लगता है। अब 3 दिन तक मैं यहाँ पर चारपाई बनाता रहूंगा, तुम आते रहोगे, बातचीत में चारपाई भी बनाते रहेंगे, वो कब चारपाई बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा, 2-3 दिन यूं ही गुजर जाएंगे। पिछली बार भी तुम आते रहे थे, आते रहना यार बात करने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कुर्सी पड़वा दी है। अरे लालू जी हाथ लगाओ ना, कितनी देर से खाली बैठी हो, मैंने कह भी दिया फिर भी हाथ नहीं लगा रहे हो। अरे मोदी जी हाथ कैसे लगाऊं, मैं नहीं लगाऊंगा हाथ। ये बताओ 1000 में से 700 तुम लोग, 300 मुझे दोगे? ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे। ऐसा है 800 तुम लो, 200 मुझे दो, कम से कम मुझे 200 तो मिलना चाहिए, इतनी मेहनत के तुम मुझे 300 दे रहे हो, ये कोई बात हुई? अरे भाई लालू जी कैसी बात करते हो, 200 रुपए कम होते हैं और 300 ज्यादा होते हैं, 300 तुम्हें सही मिलना है, इतना भी ध्यान नहीं रहा तुम्हें क्या? अरे अगले याददाश्त बिल्कुल कमजोर होती जा रही है, मुझे इतना भी पता नहीं चला कि हाँ 200 कम होते हैं 300 ज्यादा होते हैं, भूल गया था मैं। चलो 300 ही दे देना तुम मुझे, तुम ज्यादा मेहनत भी तो करती हो, मैं तो सिर्फ हाथ लगवा देता हूँ। और एक बात सुन लो मोदी जी, पिछली बार तुम्हारी चारपाई बिल्कुल झूल गई थी, तुमने जो बनाई थी टाइट तरीके से जरा बनाना, मजबूत तरीके से, तभी पैसे दूंगा। अरे एक नहीं दो नहीं 3-3 लोग इस पे चल के देखना, बिल्कुल भी नहीं झूलेगी ये, ये मोदी का हाथ है, मोदी के हाथ से बनी हुई चारपाई। ले लो पापड़ कुरकुरे बढ़िया बेहतरीन घर के बने हुए पापड़ ले लो भाई, ले लो जल्दी जल्दी चले आओ लेने के लिए, लुट गए पापड़। अरे योगी जी राहुल अखिलेश सुबह से पता नहीं किसका मुंह देखा है, एक पापड़ नहीं बिका है, अब आवाज तो लगाना ही पड़ती है कि लुट गए। अब लुटे क्या, वहीं के वहीं पे रखे पड़े सारे के सारे पापड़। अब तुम तीनों में से भी कोई भी एक पापड़ नहीं खाना चाहता है, यहाँ बैठे बैठे तुम तीनों वक्त काट रहे हो, अखिलेश तुम ही ले लो एक हाथ पापड़। अरे मोदी जी गैस बन जाती है, पापड़ खाते ही गैस बनने लगती है, क्योंकि ये तला हुआ पापड़ है तुम्हारा, तली भुनी चीजों से परहेज कर रहा हूँ मैं आजकल। अरे नहीं अब तक मैं तुम्हारी पूरी की पूरी पापड़ की टोकरी खत्म कर गया होता। भाई से मोदी जी कितने का एक पापड़ दे रहे हो? अरे राहुल तुम्हारे लिए सस्ता ही है, भाई से 7 रुपए का एक पापड़ बेच रहा हूँ, तुम्हें 5 रुपए का लगा दूंगा। अरे मोदी जी जेब में तो 2.5 रुपए पड़े हैं, अगर 2.5 रुपए का दो तो बताओ। अरे राहुल 2.5 रुपए भी क्यों खर्च करती हो, 2.5 रुपए अपनी ऐसी जेब में रखे रहो। अरे राहुल तुम भी अजीब बात करती हो, 7 रुपए का पापड़ मोदी जी ने तुम्हें 5 रुपए में बता दिया और ऊपर से तुम 2.5 रुपए दिखा रहे हो, ये कोई बात हुई? वैसे मोदी जी 3 रुपए तो मेरे भी पास पड़े हैं, 3 रुपए का एक पापड़ दे दो। अरे योगी जी तुम भी राहुल की तरह सौदाबाजी करने लगे, 5 रुपए का पापड़ लगेगा एक रेट का देता हूँ मैं। अरे योगी जी राहुल अखिलेश ये कुरकुर की आवाज कहाँ से आ रही है, ये कुरकुर क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता। अरे मोदी जी कुरकुर की आवाज आएगी नहीं, तुम अपनी टोकरी की तरफ देखो, टोकरी में से एक पापड़ का एक टुकड़ा टूटा हुआ है, मुझे लगता है अखिलेश और राहुल ये तोड़ के खा गए चुपके से, अब इन दोनों में से किसी ने खाया है तुम्हारे पापड़ का टुकड़ा। पहली बात तुम टोकरी इनके पास में रखते क्यों, पापड़ की टोकरी को दूसरी तरफ रखो। राहुल अखिलेश मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, तुम दोनों में से किसी ने एक टुकड़ा तोड़ के खा लिया मेरे पापड़ का, अब ये पापड़ कौन ले लेगा? अगर तुम्हारे पास पापड़ लेने के पैसे नहीं है तो मुझसे उधार ले लेते, एक तो सुबह से पैसी पौनी नहीं हुई है, ऊपर से तुम चुपके से तोड़ के खा रहे हो पापड़, ये कोई बात हुई? ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। इसे राहुल इस बार कद्दू की फसल बहुत बढ़िया हुई है, बहुत बड़ा बड़ा कद्दू पैदा हुआ है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आती है कि ये लालू जी सबसे छोटा कद्दू अपने सर पर रख कर ला रहे हैं और सबसे पीछे चल रहे हैं, और मैं देखो अपने सिर पर कितना भारी कद्दू रख कर ला रहा हूँ। अरे मोदी जी अपने आप अपना मियां मिट्टू मत बनो, मतलब अपनी तारीफ अपने आप मत करो, देख लो किसी से भी पूछ लो, सबसे बड़ा कद्दू अपने सर पर मैं रख के ला रहा हूँ। हाँ इस बात को मैं कहूंगा कि लालू जी सबसे छोटा कद्दू अपने सर पर रख कर ला रहे हैं। एक बात बताओ सब लोग, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आज मैंने अपने सर पर सबसे छोटा कद्दू रख लिया तो तुम सब लोगों को इतनी शिकायत है? कल मैं तो इतना भारी कद्दू लाया था तो तुम्हारे किसी के मुंह से मेरे लिए जरा सी तारीफ नहीं निकली थी, और मैं तो ये काम छोड़ रहा हूँ, मैं काम नहीं करूंगा। अरे लालू जी क्यों छोड़ रहे हो, इतनी सी बात का बुरा मान गए तुम? मोदी जी बात का बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो तुम सब लोग जानते ही हो कि अपना अमित शाह जी की मजदूरी कर रहे हैं, अमित शाह जी के खेत से कद्दू तोड़कर उनके घर पर लेकर जा रहे हैं, उनकी खेत से घर तक की दूरी 3 किलोमीटर है, मैं इतना नहीं चल पाऊंगा भाई। अरे लालू जी 3 किलोमीटर दूर है तो क्या हुआ, तुम्हें पूरे दिन भर के वो 225 रुपए दिहाड़ी नहीं देती है? राहुल काम तो मैं भी छोड़ने वाला हूँ, मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। योगी जी तुम किस वजह से समर्थन करती हो लालू जी का, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो अमित शाह के घर से खेत तक की दूरी 3 किलोमीटर है और 225 रुपए की दिहाड़ी देते हैं वो इन कद्दू को घर तक पहुँचाने के,
लेकिन राजनाथ सिंह जी के खेत से घर तक की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और वो अपने खेत से घर के लिए कद्दू ढोने के 300 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। मैं कल से अमित शाह जी का काम छोड़कर राजनाथ सिंह जी के खेत से कद्दू ढोऊंगा। योगी जी राहुल, मैं तो ये काम ही नहीं करूंगा कद्दू ढोने वाला, क्योंकि इस साल का कद्दू बहुत बहुत बड़ा हुआ है। एक कद्दू ढोने में सर में दर्द होने लगता है। मैं काम ही नहीं करूंगा, अगले साल काम करूंगा। और मोदी जी, अगले साल अगर इससे भी बड़ा कद्दू पैदा हुआ तो क्या करोगे? अरे अगले साल भी काम नहीं करेंगे, उस साल काम करेंगे जिस साल कद्दू छोटा छोटा पैदा होगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, दुकान को समेटे, सुबह से शाम हो गई, अभी तक तो कोई ग्राहक आया नहीं है। दिन आंखें मूंद रहा है और रात होने वाली है, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। चलो दुकान को समेटो। अरे मोदी जी, मैं तुम्हारे साथ तो दुकान में पार्टनरशिप करके फंस गया। मैं अकेले में अच्छा खासा अनाज बेच लेता था, अकेले दुकान रखता था जब मैं। एक तो तुम्हारी ये बहुत गलत आदत है, तुम हमेशा गाँव से दूर रोड पर अनाज बेचते हो, अनाज की दुकान लगाते हो। ऐसा करो, जो दुकान में इसमें पैसा लगाए वो आधा पैसा मुझे दे दो, पूरी दुकान तुम ही अकेले लगाओ। अरे योगी जी, ऐसे कैसे पैसा वापस दे दूं? एक तो अनाज कोई बिक नहीं रहा है, ना चावल बिक रहा है, ना दाल बिक रही है, ना गेहूं बिक रहा है, पैसे क्यों दे दूं? बराबर के पैसे लगे हुए हैं, आधा आधा अनाज बांट लो। अरे मोदी जी, योगी जी, ये झगड़ा बात को करते रहे ना, ये देखो कोई ग्राहक आया है, लगता है बहुत ज्यादा सामान खरीदेगा ये तुमसे, क्योंकि कार से आया ये। जी चावल क्या रेट बेच रहे हो और गेहूं क्या रेट बेच रहे हो बताओ? अरे जी चावल बहुत सस्ता है, बिल्कुल फ्री दाम, 100 रुपए किलो, और गेहूं भी 50 रुपए किलो। ले लो, कितने लोगे? अरे इतनी आपत क्यों मचा रहे हो, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है सुबह से तुम्हारा 1 किलो अनाज नहीं बिका है। ये तो बहुत महंगे रेट लगा रहे हो तुम, इतने रेट तो एक अच्छी दुकान पर भी नहीं होते, तुम तो रोड पे दुकान खोले हुए हो। अरे तो रेट में कम्बा कर लेंगे, आप बोलो तो कितने गेहूं और कितने चावल लोगे? देखो मैं एक रेट बोलूंगा, बार बार झिकझिक नहीं करूंगा। बोलो बोलो, एक रेट बोलो तुम, हम सुनने को तैयार हैं, हम गुंजाइश में अनाज दे देंगे तुम्हें। और तुम्हें दाल उल नहीं चाहिए? ये मसूर की दाल, अरहर की दाल, दाल चाहिए कोई चीज बताओ? अरे दाल उल कोई सी नहीं चाहिए, मैं इसी चावल के रेट बता रहा हूँ। चावल 20 रुपए किलो दे दो और गेहूं 10 रुपए किलो। अरे भाई जैसे कार से आए हो वैसी कार से निकल लो यहाँ से। अरे इतने कम रेट तो कोई मजदूर भी नहीं लगाता है, तुम तो कार से फिर रहे हो। अरे हमने 100 रुपए किलो चावल बताया था, तुम 20 रुपए किलो बता रहे हो। अरे जा रहा हूँ, मुझे कौन सा तुम्हारा कोई अनाज खरीदना था, ना गेहूँ खरीदना था, ना चावल खरीदना था, वो तो तुम बीच रोड पे दुकान लगाए हुई हो कि मेरे कार निकलने तक की जगह नहीं है, इसीलिए मैं उतर के आ गया अपनी कार से। नहीं मैं कार से उतरता कहाँ हूँ? हटाओ अपनी दुकान को, जो मैं अपनी कार को निकालूं। मोदी जी, इसीलिए मैं आपके साथ दावत पे नहीं आना चाह रहा था, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ पर खींच के ले आए। ये बताओ, आप तो कह रहे थे कि लालू जी ने बहुत अच्छी दावत पे बुलाया है, ये अच्छी दावत इन्होंने तो आराम से रोड पे बैठा दिया लाइन लगा के सबको, और हाथ में एक बंद प्याली दे दी, पता नहीं इस प्याली के अंदर क्या होगा खाने के लिए। मोदी जी, यही है लालू जी के अच्छे अच्छे पकवान, आप तो कह रहे थे बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। राहुल भड़क क्यों रहे हो, कम से कम इस प्याली को खोल के तो देखो इसके अंदर क्या है, क्या पता इसके अंदर गुलाब जामुन हो, रसमलाई हो, खोल के तो देखो। चलो मोदी जी, इसके अंदर अच्छा पकवानों का खाने के लिए, और ये इन्होंने रोड पे बैठा रहा है उसका क्या? अरे कम से कम ये अपनों को घर बैठा के तो दावत खिला सकते थे। राहुल भड़को मत, भड़को मत, तुम तो बेफालतू में भड़के जा रहे हो, मैंने रोड पे यूं ही नहीं बैठा रहा है तुम सब लोगों को। अब एक बात बताओ, तुम सब लोग इतने लोग दावत खाने के लिए आए हो, पूरी भीड़ है, और मेरे घर में एक कमरे की जगह है, मैं एक कमरे में कहां तक इन लोगों को बैठा लूं? एक कमरे में इतने लोग बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को रोड पे बैठा दिया। और डिब्बे खोल के तो देखो, जो तुम्हारे हाथ में ये डिब्बे हैं, देखो इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं। अच्छे पकवान जाने क्या है, मैंने खोल के देख नहीं लिया लालू जी, 2 पूरी रखी हुई है और सूखे आलू रखे हुए हैं। इन मनमोहन जी के कहने में मैं भी यहाँ पर दावत पे आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। एक तो लालू जी ने रोड पे बैठा दिया, ऊपर से डिब्बे में सिर्फ 2 पूड़ी और सूखे आलू हैं। योगी जी इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, लालू जी से जो बन पड़ा उन्होंने अपना लोगों को बुला के खिला दिया। अब ये बताओ 2 पूड़ी हो या 4 पूड़ी हो, इससे क्या लेना देना, जो मिल रहा है उसे खा लो। मोदी जी इन डिब्बों के अंदर 2 पूड़ी और आलू है, और साथ में ये देखो मेरे हाथ में अचार है, अचार भी खा सकते हो तुम सब लोग। वैसे राहुल एक बात बताओ, मेरी ये रोड की दावत तुम सब लोगों को कैसी लगी, पसंद तो आई तुम सब लोगों को? देखो लालू जी, मुझे खाने से तो कोई एतराज नहीं है, 2 पूड़ी और आलू तो बहुत अच्छी है तुम्हारे, और अचार भी तुम्हारा बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हें रोड पे नहीं बैठाना चाहिए था, रोड पे बैठाने से बड़ा दिक्कत हो रही है बैठे बैठे, एक तो इन पैरों के बल पे बैठा नहीं जाता है, बड़ा दर्द होता है। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी दावत थी तुम्हारी, बहुत अच्छी दावत थी।